हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आरके सिंह। एंड दोस्तों, आज से हम लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए तीसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले भी हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, एक तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एंड दूसरा सब्जेक्ट था अप्लाइड फिजिक्स 2 जो कि अभी कंटिन्यू चल रहा है। एंड आज हम लोग ये तीसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट रहेगा सेकेंड सेमेस्टर लिए। तो सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड अगर कहें तो एग्रीकल्चर जो होता है डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारे ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट कॉमन होता है सेकंड सेमेस्टर में। ओके, तो हमें अभी देखना है कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला है ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू किसका ओवरव्यू लेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एंड छोटी छोटी टर्म्स जो है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, ओके, वो सभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। ये होगा ओवरव्यू वाला चैप्टर। ओके, दूसरी बात हम लोग करेंगे आपका एनालॉग सर्किट के बारे में। एनालॉग सर्किट क्या होता है, एनालॉग सर्किट्स, ठीक है, एंड तीसरी डिजिटल सर्किट्स। ओके, चौथी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो आप सिलेबस के साथ, अपने सिलेबस के साथ मैच कीजिए कि सारे चैप्टर्स जो है, सारे टॉपिक्स जो है आपका मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, एकदम डिटो मिल जाएगा। ठीक है, तो पाँचों हम लोग पढ़ेंगे एसी सर्किट के बारे में, एसी सर्किट्स। ठीक है, एंड छठा हम लोग पढ़ेंगे शायद, छठा ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ठीक है, छठा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो है हमें पढ़ना है, ओवरव्यू, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी सर्किट्स, ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ठीक है, तो चलो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी सिलेबस है तो मैंने सही से लिखा कि नहीं। ओवरव्यू, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद एसी सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर एंड मशीन्स। ठीक है, तो हाँ ये हो गया हमारा। एंड अगर बात करें वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक और टॉपिक है आपका एक्स्ट्रा, ओवरव्यू ऑफ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे, और बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये आपका इसमें सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं। आज हम लोग ओवरव्यू इसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट चाहिए होता है, क्यों पढ़ते हैं एंड सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या रहेगा सब्जेक्ट में, एंड जो बेसिक छोटे छोटे टर्म होते हैं, ओके, बहुत ही छोटे छोटे जो टर्म होते हैं फंडामेंटल टर्म्स, उसको भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू वाला जो क्लास है इसमें आपका लगभग तीन क्लासेस तो आ सकता है, इसमें तीन या चार क्लासेस आएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हमें सीखना है। ठीक है, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तैयार होना होगा कि हम लोग ये सारे जो टॉपिक है इसको समझ पाए, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारे टॉपिक्स, अभी हम लोग क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं सिलेबस को हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो मैं इरेज कर देता हूँ अभी। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, देन उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुए हैं इस नाम पे। देखिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग उसमें, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है दोस्तों, ये इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है जहाँ पे हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो जेनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, मतलब पावर सप्लाई को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ओके। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है इंजीनियरिंग का वो ब्रांच जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जेनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड कन्वर्सन, मतलब एक रूप से दूसरा रूप में, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो बच्चे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ट्रेड से है, तो उन बच्चों के लिए ये आपका हो गया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट होता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके, उसको कैसे स्टोरेज करके रखा जाता है, एंड उसके साथ साथ उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसका कन्वर्ट एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलो अभी तो मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप फ्यूचर में अगर पढ़ेंगे इसको तो आपको एक ही बार में सारी बातें जो है याद आ जाएगा। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द जेनरेशन, व्हिच क्या है, व्हिच deals with the generation, deals with the generation, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है, देन उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ले जाते हैं, ओके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका स्टोरेज एंड कन्वर्शन, स्टोरेज एंड कन्वर्सन, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द जेनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम लोग यहाँ पे पावर लिख सकते हैं, इज नोन as electrical engineering, ठीक है, ये हो गया हमारा electrical engineering, ओके। इसके बाद बात करेंगे दूसरा टर्म जो कि यहाँ पे है, electronics, ठीक है, electrical तो हम लोगों ने समझ लिए हैं, अभी electronics देखेंगे, electronics engineering किसे कहते हैं, तो इसका भी heading लगा लेते हैं, इसका भी definition लिखेंगे एक छोटा सा, electronics engineering, ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोस्तों, देखो ये भी इंजीनियरिंग का एक ब्रांच ही होता है, मेनली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर पे ही होता है, इसी का एक शाखा होता है, तो इसको हम लोग इंजीनियरिंग का एक ब्रांच मानेंगे। ये भी एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका डिजाइनिंग करते हैं, देन हम लोग पावर को एम्पलीफाई करते हैं, एंड क्या होता है आपका स्विचिंग, स्विच करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग स्विच कर देते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सहारे क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कैसे यूज़ किया जाएगा उसका डिजाइनिंग करते हैं, पावर को ज़रूरत हो तो एम्पलीफाई करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ओके, एंड स्विच करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट पर हम लोग जैसे स्विच करते हैं, तो ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके, बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप लोगों को समझ में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट, ये जैसे कि हमारा एक कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, देन ऐसे आपका डायोड हो जाता है, ऐसे रजिस्टर हो जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग इसी क्लास में, मतलब पहले जो चैप्टर है ओवरव्यू वाला चैप्टर, सभी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कंपोनेंट्स, तो इन सभी के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको वेरियस काम पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग सर्किट के बारे में बात करते हैं, छोटे मोटे जो हमारे मोबाइल पर होता है, टीवी रेडियो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सहारे चलाते हैं, ओके, वही सब डिवाइस के डिजाइनिंग, एम्पलीफाइंग एंड उससे रिलेटेड सारे बातें जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, ठीक है। चलो तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं,
एंड जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है उन लोगों को आगे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखना है, बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में जानना है, कंपोनेंट का फंक्शन, कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज़, वो कैसे कैसे काम करता है, किस रेंज पे काम करता है, सभी चीज़ें जो है उन लोगों को देखना होता है। एंड सभी कंपोनेंट को सीखने के बाद कंपोनेंट को जोड़ते हुए एक दूसरे कंपोनेंट के साथ जोड़ के उसको सर्किट बनाना होता है। एंड नए नए जो सर्किट्स होते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो आते हैं उसको डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ द विच डील्स विद द डिजाइनिंग एम्पलीफाइंग एम्पलीफाइंग ठीक है एम्पलीफाइंग स्पेलिंग शायद गलत हो गया है, ये एम्पलीफाई होगा। ठीक है, एम्पलीफाइंग डिजाइनिंग हो गया, एम्पलीफाइंग हो गया, एंड स्विचिंग ठीक है, एंड स्विचिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एंड स्विचिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी with the help of different electronics component ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज थोड़ा सा गर्मी है, पसीना आ रहा है मेरे को, तो फिर भी चलो पूरा क्लास को करा ही देता हूँ, देन उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डेफिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशन को फटाफट से लिख लीजिए। एंड आगे अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी आप लोग डेफिनेशन जान गए हैं, इसका मतलब जान गए हैं, तो इसके बीच में डिफरेंस भी आप देख लीजिए, तो आपको ये दोनों ब्रांचेस जो है समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग के ये दो ब्रांचेस असल में क्या है। ठीक है, चलो मैं इस पूरा हेडिंग को ही इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह मिलेगा। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बाकी मैं सिर्फ यहाँ पे दो बॉक्स बनाऊँगा, एक तो इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, दूसरा बनाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। पहला डेफिनेशन क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जेनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका क्या स्टोरेज इसको देखता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, चलो दिस या फिर इट डील्स विथ द जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज ऑफ पावर। ठीक है, ये होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक लंबा सा लाइन देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या होता है, इट डील्स विद द किसके साथ डील करता है, ये डिजाइनिंग। ठीक है, कितना देर तक जाएगा इधर, अच्छा डिजाइनिंग, देन एम्पलीफाइंग, ओके, स्विचिंग ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने ये देखा है डेफिनेशन पे ही, ये वाला डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ
यहाँ पे डेफिनेशन को हम मैंने शॉर्ट करके लिखा कि ये किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसके साथ डील करता है, ठीक है। ये आप लोग पहला डिफरेंस लिखिएगा। दूसरा डिफरेंस हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट होता है, ठीक है, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन द सर्किट्स। अभी आप लोगों को ये सर्किट वर्ड भी नया लग रहा होगा, सर्किट क्या है तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हम लोग पहला जो चैप्टर है ओवरव्यू वाला चैप्टर, वहाँ पे हम लोग बेसिक टर्म्स को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे टर्म्स को समझेंगे ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सर्किट वर्ड आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ठीक है, पहले भी सुन के रखा होगा लेकिन इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग आगे जानने वाले हैं, ठीक है। तो इन द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है इसमें, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पे क्या फ्लो होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है, दो चीज़ें वहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पे इन द सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स एक नया वर्ड आ गया है, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स का फ्लो होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स ट्रैवल करता है। जनरली इलेक्ट्रॉन अगर आपका इधर से इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल इधर से इधर जाएगा, ठीक है, दोनों अपोजिट दिशा में जाता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आता है तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो इधर से इधर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं, ये हम लोग आगे जाके भी सीखने वाले हैं। चलो अभी फिलहाल हम लोग डिफरेंस को ये यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। लगभग हम लोग 4 डिफरेंस लिखेंगे तो हमारा एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी भी। तो थर्ड वन इज होगा आपका क्या है, द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपका ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द वोल्टेज एंड करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस करंट को प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी पावर को प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं वो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि जनरेटर में क्या होता है आपका वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, रेजिस्टेंस आपका वोल्टेज को एंड करंट को रिड्यूस कर देता है। अगर डायोड की बात करें, ओके, तो डायोड क्या करता है, फ्लो को सिर्फ एक ही तरफ ले जाता है पावर का फ्लो को, ओके, तो वो कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वोल्टेज एंड करंट को कंट्रोल करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसको प्रोड्यूस करता है, ओके, ठीक है। तो चौथा देख लेते हैं,
इट वर्क्स ऑन एसी एंड डीसी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फील्ड है वो एसी पे भी वर्क करता है, डीसी पे भी वर्क करता है। एसी एसी जो पावर है उसको भी प्रोड्यूस करता है एंड डीसी पावर को भी प्रोड्यूस करता है, स्टोरेज भी करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल के अंडर पे आ जाता है। एंड वहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ डीसी पे ही काम करता है। इट वर्क्स ऑन डीसी ओनली। ठीक है, एसी एंड डीसी। तो एसी एंड डीसी ये दोनों टर्म भी नया है। एसी है अल्टरनेटिव करंट, डीसी है डायरेक्ट करंट। ओके, अगर एसी की बात करो जो हमारे घर में जो बिजली आते हैं ना, ठीक है, जैसे हम लोग फैन टैन चलाते हैं, सीलिंग फैन लाइट चलाते हैं, वो एसी आता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, एंड डीसी जो कि होता है बैटरी पे, तो बैटरी पे आप देखिएगा प्लस माइनस का बात आता है, प्लस माइनस एक तरफ प्लस रहता है माइनस रहता है। तो अगर आप प्लस के साथ प्लस जोड़ेंगे, माइनस के साथ माइनस जोड़ेंगे तभी डिवाइस जो है काम करेगा। अदरवाइज अगर आप उल्टा लगाते हैं, मतलब प्लस के साथ माइनस लगाते हैं, तो आपका डिवाइस जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन एसी पे ऐसा नहीं होता है। एसी पे आपका आप दो तार को चाहे जिस तरफ लगा दीजिए, इस तरफ लगाइए, इस तरफ लगाइए, या फिर इस तरफ लगाइए, इस तरफ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो बल्ब है वो जलेगा। ठीक है ना, मतलब आपका ये होता है एसी अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी होता है डायरेक्ट करंट जो कि सिर्फ एक ही दिशा पे जाता है, इसलिए उसमें प्लस माइनस का बात आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस कह लीजिए, आपका कैपेसिटर कह लीजिए, या फिर ट्रांजिस्टर कह लीजिए, डायोड कह लीजिए, एवरीथिंग वर्क्स ऑन डीसी ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीसी पे ही काम करता है, वो एसी पे नहीं चलेगा। ओके, एंड वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों पे ही काम करता है, दोनों ही क्या है, दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। ओके, चलो ये चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है, द रेंज ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे द रेंज ऑफ वोल्टेज क्या होता है, रेंज ऑफ वोल्टेज वो वोल्ट से लेके किलो वोल्ट तक होता है। ठीक है, वोल्ट से लेके किलो वोल्ट तक होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वोल्टेज का जो रेंज होता है, द रेंज ऑफ वोल्टेज इज MV to V, मतलब मिली वोल्ट टू वोल्ट। ओके, सिर्फ वो वोल्ट पे ही काम करता है। मेनली आपका जो डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपका 12 वोल्ट से कम भी हो सकता है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारा चार्जर आता है, मोबाइल का चार्जर, वो 5 वोल्ट का आता है। तो वो भी क्या है आपका, उसके भीतर क्या है, सर्किट है। चार्जर को कभी आप लोगों ने तोड़ा है, चार्जर को अगर तोड़ेंगे, पुराने कोई चार्जर को आप तोड़ के देखिएगा, उसके भीतर एक सर्किट होता है। वो काम किसका होता है, वो काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। उसको डिजाइन किसने किया है, ठीक है, उसको डिजाइन किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने। ठीक है, तो वो आपका 5 वोल्ट, जैसे 12 वोल्ट हो गया, 24 वोल्ट हो गया, मैक्सिमम 48 वोल्ट हो गया, 60 वोल्ट तक भी होता है। तो ये ज़्यादातर आपका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, 24 वोल्ट तक तो ठीक है, इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा हो जाता है वो आपका क्या है, ये आपका एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावर का अगर रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही ज़्यादा, तो फिर हम लोग उस जगह पे 48 वोल्ट लगाते हैं, या फिर आपका क्या लगाते हैं, 60 वोल्ट। जैसे कि आप ई रिक्शा देखा होगा, टोटो, जिसको टोटो कहते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो मोटर यूज़ किया जाता है वो आपका डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी ब्लेडलेस डीसी मोटर है, एंड उसको चलाने के लिए 48 वोल्ट चाहिए होता है, इसीलिए चार बैटरी को वहाँ पे रखा जाता है। टोटो में देखिएगा चार बैटरी होते हैं। ठीक है, चार बैटरी को सीरीज में कनेक्टेड करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, 48 बनाया जाता है, देन टोटो का जो फंक्शन है वो चलता है। ठीक है, एंड टोटो में सारे के सारे आपका क्या है, आपका डीसी में है, सभी चीज़ें हैं जो है डीसी में है, एंड वो काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कुछ हो गया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, तो जो कंडक्टर्स होते हैं, यूज़ होते हैं यहाँ पे, कंडक्टर्स आर ऑफ कॉपर का होता है एंड एल्यूमिनियम का होता है, ATC। ठीक है, जनरली जो इलेक्ट्रिकल के जो तार बनाया जाते हैं ना, वो जनरली आपका कॉपर के आते हैं या फिर एल्यूमिनियम के आते हैं। अगर वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें कौन सा मेटल यूज़ होता है, वो आपका होता है क्या, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, मेनली इट यूजेस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये दो मेटल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड अगर बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो कंडक्टर एज ए
कंडक्टर मतलब तार के रूप में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, कॉपर या फिर एलुमिनियम। हम लोग जानते हैं कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आपका गुड कंडक्टर है, वो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ले जा सकता है, ठीक है। चलो तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गया दोस्तों, डिफरेंस को आप याद रखिएगा, डिफरेंस पूछा जा सकता है, ओके। क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, ये भी आपको 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर रहेगा। एंड मेरा काम ही यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करवाना, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आगे जाके मैं आपको अच्छी तरह से सिंपली भाषा में उसको सिखा पाऊँ, ठीक है। चलो तो देखो अब हम लोगों ने जो लिख लिया है यहाँ पे, और भी कुछ टर्म यूज़ हुए हैं जैसे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ठीक है। एंड एसी डीसी तो मैंने आप लोग समझाया, वोल्टेज किलो वोल्टेज, ओके ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। एंड यहाँ पे द रेंज ऑफ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वोल्टेज टू किलो वोल्टेज, ओके। जैसे कि हमारे घर पे जो बिजली आता है वो 220 का आता है, 220 वोल्ट, हमारे घर में जो करंट का सप्लाई आता है वो 220 का आता है, ठीक है। एंड ट्रांसफार्मर में क्या आता है, जो हमारे गांव में या फिर शहर में जो ट्रांसफार्मर होता है जिससे हमें मिलता है करंट, उसमें आता है आपका 11,000, ठीक है, 11,000 वोल्ट आता है, मतलब 11 kV आता है, ठीक है, ओके। एंड आप लोगों ने ऐसा भी पोल देखा होगा जो कि ऐसे मेटल का होता है, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा आपका पावर रहता है, मतलब तो उसका वोल्टेज और भी ज़्यादा रहता है, 33 kV रहता है, 33,000 या फिर 66,000, ठीक है, 66 kV भी रहता है, ओके। इसको हम लोग धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, चलो अभी फ़िलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी अनकम्फर्टेबल लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, गर्मी की वजह से क्लास लेने में दिक्कत हो रहा है अभी, तो जितना कम हो सके आज करेंगे, बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास भी आने वाला है इसका, एंड मैं 2 दिन अंतर कोशिश करूँगा कि एक आपका FEEE का क्लास मैं दूँ, ठीक है। चलो अभी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे फ्लो होता है। तो सवाल ये है कि हाउ डज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोस, ठीक है, हाउ डज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कैसा होता है, आपका सवाल का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी सवाल ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का तो नाम हम लोगों ने सुना है कि एक परमाणु जो है, एटम जो है, वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम लोगों ने सीखा है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आइए इसको समझते हैं, ओके। तो देखो हमारे अर्थ में मिलता है क्या, मैटर। अभी हर एक मैटर किससे बनता है, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो मैटर है वो किससे बनता है दोस्तों, वो आपका एटम से बनता है, ठीक है, बहुत सारे एटम मिलके बनाता है आपका मैटर, ठीक है। एंड एटम भी क्या रहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो होने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फोकस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपका चार्ज होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पढ़ा था, माइनस समथिंग होता है, 1 पॉइंट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ओके, आप लोगों को याद होगा शायद। चलो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड ये इलेक्ट्रॉन कैरी करता है चार्ज, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज भी मूव करेगा, चार्ज मूव करने का मतलब है करंट प्रोड्यूस हुआ है, फ्लो होना, उसी को हम लोग करंट कहते हैं ना, फ्लो, फ्लो अगर होता है तो वो करंट है। तो सभी मैटर जो है बहुत सारे एटम से बनता है, एंड एटम क्या है, बहुत सारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बनता है, एंड सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो
उसके पास चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज को भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगा, एंड चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है उसी को हम लोग कहते हैं करंट। तो ऐसे आपका जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, किसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र किया था तो इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों देखो केमिस्ट्री में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ाई है, तो एटम पे क्या होता है, सेंटर पे रहता है आपका न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस पे रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था कि सेंटर पे होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है, एंड कौन सा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका भी रूल है, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हो गया आठ, ओके, ठीक है। तो अभी बात करेंगे हम लोग मेटल के बारे में, मेटल के अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई भी मेटल आप उठा लीजिए उसके अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके सबसे बाहरी कक्षा में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये वैलेंसी जो है बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, ओके, एंड ये बाहरी जो कक्षा है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, ओके। तो मेटल के केस में ये सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे एटम के साथ बहुत ही लूजली अटैच्ड होता है, बहुत ही कम स्ट्रेंथ के साथ ये पूरा एटम के साथ जुड़ा होता है, एंड इसीलिए ये ईजिली ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, ईजिली जो है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ईजिली आपका रिमूव हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो मेटल के सबसे बाहरी कक्षा में जो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरा एटम के साथ बहुत ही कम स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है, एंड उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड नॉन मेटल की अगर बात करें, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल में, ओके, नॉन मेटल में आपका ऐसा नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट इज़ वाई नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिक कैरी नहीं करता है, ठीक है। नॉन मेटल जितने भी एलिमेंट है वो आपका इलेक्ट्रिक कैरी नहीं करता, जैसे कि क्लोरीन डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर बात करें कॉपर, कॉपर क्या है आपका, एक मेटल है, तो कॉपर आपका इलेक्ट्रिक कैरी करता है, ठीक है। एलुमिनियम वो भी मेटल है, उसके भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में भी आपको लूज इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एंड वही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा एनर्जी को ट्रांसमिट कराने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि नॉन मेटल एंड मेटल कौन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, ठीक है। तो बेसिक से बात है, मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो मेटल कैरी करेगा, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल के जो तार बनाते हैं वो मेटल के बनाते हैं, कॉपर के बनाते हैं, एल्युमिनियम के बनाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक तार जो है वो आपका क्या कास्ट से बनाया गया है, ओके, वो क्लोरीन से बनाया गया है या दूसरा फ्लोरीन से बनाया गया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे लिखेंगे, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, व्हिच आर वेरी लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, टू द न्यूक्लियस इज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ठीक है ना। चलो तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरियस कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे टर्म्स को सीखेंगे, ओके, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।